हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे अबाउट इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं और कितने तरह की डिवाइसेस हैं, उन सब के बारे में जल्दी से जानेंगे इन दिस लेक्चर। लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस। किसी भी पेरिफेरल डिवाइस या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा कोई भी हार्डवेयर जो आपके डेटा को या कंट्रोल सिग्नल्स को आपके कंप्यूटर तक पहुंचा पाएगा, ऐसे ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो आपकी बात आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइस यूज होगी उसको हम लोग कह देते हैं इनपुट डिवाइसेस। अब इन इनपुट डिवाइसेस को हम इन चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज कीबोर्ड, देन वी हैव पॉइंटिंग डिवाइसेस, देन वी हैव ग्राफिक्स एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस जिनको हम लोग स्कैनिंग डिवाइसेस भी कहते हैं, और ऑडियो इनपुट डिवाइसेस। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, कीबोर्ड। सबसे बेसिक इनपुट है कि अगर आपको कुछ कीज की हेल्प से अपनी बात अपने कंप्यूटर तक पहुंचानी है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कीबोर्ड। आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीजें आप अपने इनपुट के लिए यूज करते हैं और ये सारा इनपुट हम कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। Now, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपको इस तरह का कुछ दिखेगा जहां पे दीज ब्लू कीज आर योर टाइपराइटर कीज जिनको टाइप करके हम इनपुट एंटर कराते हैं। देन दिस रेड कलर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेड कलर कीज विंडोज कीज ये आपकी कहलाती हैं सिस्टम कीज, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन दिस पर्पल कलर की, इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन की, देखिए इस तरह का कुछ आपको की यहाँ पे दिखता है। देन ऑरेंज कलर की जो कीज है, दीज आर फंक्शन कीज। ये पर्पल कलर की कीज जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर न्यूमेरिक कीज या नंबर कीज। दिस ग्रीन कलर कीज आर कर्सर कंट्रोल कीज, यानी लेफ्ट राइट टॉप डाउन जो कंट्रोल कीज है हम लोग यहाँ से यूज करते हैं। एक ये वाला येलो कलर और एक ये वाला येलो कलर जो आप देख पा रहे हैं, दीज आर एंटर कीज। इसके अलावा जितनी भी व्हाइट कलर की कीज आपको यहाँ पे दिख पा रही हैं और एक ये एस्केप कीज, ये सारी हमारी अदर फॉर्म ऑफ कीज में आ जाती हैं। अब कीबोर्ड हमेशा ऐसा ही नहीं दिखता है, कीबोर्ड बहुत सारे तरह के अवेलेबल है हमारे पास, जैसे कि ये सारे। क्विकली मैं आपको इन इमेजेस की हेल्प से दिखा देती हूँ ये किस तरह के कीबोर्ड्स हैं। सो दिस जो अभी अभी हमने देखा इज अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कीबोर्ड। देन लैपटॉप कीबोर्ड, जो लैपटॉप्स के साथ अवेलेबल होता है, जो इंटीग्रेटेड होता है एक लैपटॉप यूनिट में, वो हमारा लैपटॉप कीबोर्ड होता है। देन दिस इज गेमिंग कीबोर्ड, एक रेगुलर कीबोर्ड के जैसा ही दिखेगा, बट कुछ स्पेशल बटन्स होंगे जो गेमिंग कंसोल, गेमिंग कंट्रोल्स के लिए यूज होते हैं, कुछ लाइटनिंग के लिए, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए हम लोग इन कीज को यूज करते हैं। देन वी हैव थम साइज कीबोर्ड, दिस इज अ वेरी पोर्टेबल कीबोर्ड, छोटा सा साइज में आपको अवेलेबल हो जाता है। देन वी हैव वर्चुअल कीबोर्ड, जो एक्चुअली एक हार्डवेयर यूनिट भी नहीं है, एक डिवाइस है जो एक इमेज प्रोजेक्ट करता है हमारे कीबोर्ड की और उसको वर्चुअली हम लोग यूज कर सकते हैं, सो इट इज अ वर्चुअल कीबोर्ड। देन वी हैव फोल्डेबल कीबोर्ड, इट इज अ पोर्टेबल कीबोर्ड जिसको फोल्ड करके हम लोग कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। सो लाइक दिस सिलिकॉन कीबोर्ड, इसको आप गोल गोल करके रोल कर सकते हैं और अपने ट्रैवल में कैरी कर सकते हैं बहुत इजीली, सो इट इज अ फोल्डेबल कीबोर्ड। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कैटेगरी, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस या फिर पॉइंट एंड क्लिक डिवाइसेस, जो आपकी स्क्रीन में किसी एरिया को सिलेक्ट करके, पॉइंट करके, उसको क्लिक करके अपना एंटर कराती है अपना इनपुट। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो स्क्रीन में किसी एरिया को सिलेक्शन के लिए हेल्प करे और उसको पॉइंट करके क्लिक करवाए, वो डिवाइस हमारी पॉइंट एंड क्लिक डिवाइसेस या फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाती है। जैसे कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन रोलिंग बॉल, वी हैव टू डिवाइसेस। देन बेस्ड ऑन टचिंग अ सर्फेस, एक सर्फेस को टच करके जब आप इनपुट कराते हैं, देन वी हैव सो मेनी डिवाइसेस। एंड देन मूविंग, बेस्ड ऑन मूविंग स्टिक, किसी एक स्टिक की हेल्प से जो हम लोग इनपुट रजिस्टर कराते हैं। अब इन डिवाइसेस को एक बार देख लेते हैं, जैसे कि माउस। अब माउस सब लोगों ने देखा है, इट इज अ वेरी कॉमन इनपुट डिवाइस जिसमें दो बटन आपको मिल जाते हैं, लेफ्ट क्लिक के लिए, राइट क्लिक के लिए, और सेंटर में आपको एक रोलिंग बॉल मिल जाती है जिसको रोल करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर फर्दर अपना इनपुट रजिस्टर करा पाते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस का मतलब क्या है कि माउस में जब आपको एक अंदर एक रोलिंग स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख जाता है सरफेस में, ये एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसके मूवमेंट से हमारा इनपुट रजिस्टर हो पाता है, सो इट इज अ मैकेनिकल माउस। दूसरे तरह के माउस अवेलेबल है जो हम लोग आज बहुत पॉपुलरली यूज कर रहे हैं, जहाँ पे बेस में आपको लाइट दिखेगी, इस लाइट की हेल्प से हम लोग अपना इनपुट रजिस्टर करा पाते हैं, इट इज एन ऑप्टिकल माउस। ओके, देन वी हैव ट्रैक बॉल्स। ट्रैक बॉल्स क्या है, किसी भी अलग अलग तरह के आपने डिवाइसेस में इस तरह के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर को देखा होगा जिसको मूव करके हम अपना इनपुट रजिस्टर कराते हैं। नाउ दिस ट्रैक बॉल और माउस में अंतर क्या है, माउस इज अ मूविंग डिवाइस, हमें पूरे माउस को रोटेट करना पड़ता है तब जाके इनपुट रजिस्टर होता है, वेर इज ट्रैक बॉल में दिस माउस, दिस डिवाइस विल रिमेन्स हेयर और हम सिर्फ बॉल को मूव करेंगे जिसकी वजह से हमारा इनपुट रजिस्टर हो पाएगा। ये ट्रैक बॉल आपने बहुत सारे कीबोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जैसे कि यहाँ।
फर्दर मूव करते हैं, देन नेक्स्ट डिवाइस इज टच पैड। लैपटॉप में अपने माउस को रिप्लेस करके हमारे पास जिस पर्टिकुलर एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टच पैड, जहां पे फिंगर के टच से, एक प्रेशर टच से हम लोग अपने इनपुट को रजिस्टर करवा पाते हैं। देन वी हैव ग्राफिक्स टैबलेट या फिर डिजिटाइजर। ये एक फ्लैट आपका एक टेबल जैसा होता है, जहाँ पे आपको एक पेन मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी इनपुट रजिस्टर करेंगे, कनेक्टेड डिवाइस चाहे आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, उसमें वो इनपुट रजिस्टर हो जाता है। तो डिजिटाइजर एक ग्राफिक टैबलेट कहलाता है। देन वी हैव टच स्क्रीन, बहुत कॉमन डिवाइस है, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, टच स्क्रीन फ़ोन, आपका टच स्क्रीन लैपटॉप, आपका नोटबुक, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन को टच करके इनपुट रजिस्टर कराते हैं, दिस इज योर इनपुट डिवाइस। ओके, देन वी हैव लाइट पेन, ये भी बहुत पॉपुलर डिवाइस है, एक पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर से, ये पॉइंट करता है एक स्क्रीन में या फिर लिखने के लिए या पॉइंट करने के लिए, हम इसको डिवाइस को यूज करते हैं और इससे हमारा इनपुट रजिस्टर हो पाता है। देन वी हैव स्टाइलस, इट इज अगेन अ सिमिलर पेन जो हमारा आजकल का मॉडर्न लाइट पेन आप कह सकते हैं। देन बेस्ड ऑन मूविंग स्टिक वी हैव डिवाइस, फर्स्ट डिवाइस विच इज जॉयस्टिक। ये कंसोल्स आपने देखे होंगे गेमिंग पार्लर्स में, जहां पे आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है और एक ये स्टिक वहां पे इंस्टॉल होती है। इस स्टिक को फिजिकली मूव करके, रोटेट करके हम लोग अपना इनपुट रजिस्टर कराते हैं। नए तरह के जॉयस्टिक्स में आपको बटन्स भी मिल जाएंगे, जिन बटन्स से हम स्पेशल इफेक्ट्स के लिए, स्पेशल एक्शंस के लिए कुछ बटन्स को यूज कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज, दिस इज अगेन वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस, गेम पैड। आपके वीडियो गेम्स के साथ आपने इस तरह के रिमोट्स देखे होंगे, इस रिमोट को हम लोग क्या कहते हैं, गेम पैड, जो इनपुट रजिस्टर कराने में हमारी हेल्प करता है। देन वी हैव थर्ड कैटेगरी, इमेजिंग एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस बेसिकली, जो आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आपके कंप्यूटर में फीड कराता है। तो बेसिकली एक हार्ड फॉर्म को आपके सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए जो इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं आर इमेजिंग एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अवेलेबल इनपुट डिवाइसेस। जैसे फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा, हम सब जानते हैं अपने सीन को कैप्चर करने के लिए, किसी स्टिल इमेज को कैप्चर करने के लिए वी यूज डिजिटल कैमरा, जो हमारे कंटेंट को हमारे कंप्यूटर तक सेव कराने में हमारी हेल्प करता है। देन वी हैव वेबकैम, न सिर्फ स्टिल इमेजेस बल्कि मोशन इमेजेस को भी कैप्चर करने में वेबकैम हमारी मदद करता है। देन इमेज स्कैनर्स, आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट होता है उसको एक सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इमेज स्कैनर्स यूज करते हैं, या आपके एक हार्ड कॉपी को एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करा पाता है। देन वी हैव 3D स्कैनर्स, ये बहुत पॉपुलर स्कैनर्स हैं, जो आपके एक 3D ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को 3D में रिकॉर्ड करते हैं, उनका डेटा रिकॉर्ड करते हैं और उसको पॉसिबली एक 3D मॉडल बनाने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव फिंगरप्रिंट स्कैनर, जहाँ पे हम अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके डिजिटली स्टोर करा पाते हैं कंप्यूटर में। तो इस तरह का अपने स्ट्रक्चर दिखा होगा आधार कार्ड बनवाते समय, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर जो कंपनीज यूज करती हैं अटेंडेंस को मार्क करने के लिए। ठीक है, देन वी हैव बारकोड रीडर्स, शॉपिंग साइट्स में, शॉपिंग वेबसाइट्स में, या फिर शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा आप बारकोड रीडर्स, ये बारकोड्स हैं, इनको रीड करके, इनको ऑथेंटिकेट करके हम लोग इस तरह के डिवाइसेस से इनपुट रजिस्टर कराते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स, ये हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसको आप हाथ में पकड़ के फिजिकली मूव करके बारकोड को रीड कर सकते हैं, एंड सच डिवाइसेस आर स्कैनिंग डिवाइसेस जो स्टेशनरी होती है, ये एक ही जगह रखी रहती है फ्लैट बेड, और इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, स्कैन करते हैं और उसको वहां से मूव ऑन कर देते हैं। इस तरह से इनपुट रजिस्टर होता है, आपके स्टोर्ड इनपुट से उसको मैच करते हैं और ऑथेंटिकेशन कराते हैं। देन वी हैव ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट में हम क्या करते हैं, एनालॉग सिग्नल्स, हमारा आवाज, हमारा म्यूजिक, उस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में स्टोर कराना या किसी तरह से यूज करने के लिए जो इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं आर ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, ये ऑडियो सिग्नल्स पे काम करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स एंड मिडी कीबोर्ड्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, माइक्रोफोन्स या फिर माइक्स जो हम लोग बहुत कॉमन भाषा में बोलते हैं, ऐसे माइक्स आपने देखे होंगे, या फिर दिस टाइप ऑफ माइक्स, या फिर आपके फोन में माइक्स होते हैं। ये माइक्रोफोन क्या करते हैं, आपके आवाज को, आपके म्यूजिक को कैप्चर करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, उनको स्टोर करते हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग फर्दर यूज करते हैं। सो दीज आर माइक्रोफोन्स। देन वी हैव मिडी कीबोर्ड्स। मिडी कीबोर्ड्स आर म्यूजिकल कीबोर्ड्स, जो दिखते तो रेगुलर कीबोर्ड्स की तरह है, म्यूजिक जनरेशन के लिए यूज करते हैं, बट इस जनरेटेड म्यूजिक को, इन एनालॉग म्यूजिक को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म्स में और स्टोर करते हैं। इसके लिए हम लोग USB या फिर MIDI 5 पिन केबल को यूज कर सकते हैं, जो अलग अलग म्यूजिकल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होती है। सो दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस जो हमने बहुत क्विकली कवर करी है। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।